नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकाड़ो से बोकाड़ो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो फ्लावर है आप पहचान रहे होंगे, अपराजिता का ये फूल है। ये शुभ पौधा भी होता है, घर में लगाना इसको शुभ भी मानते हैं और बहुत खूबसूरत होता है। इसके व्हाइट कलर में भी आते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास ये बैगनी वाली है, पर्पल वाली है और ये जो मैंने लगा के रखी थी, आप देख रहे होंगे यहाँ कि मैं इसको क्रीपर के रूप में, एक वाइन है क्रीपर के रूप में, अगर दीवार पर आप इसको लगा देते हो तो ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, बढ़ेगा और बहुत सारे फ्लावर्स आपको देगा। लेकिन जगह की कमी के कारण अक्सर परेशानी हो जाती है और मैं इसको एक गमले में लगा कर एक डंडे की सहायता से इसको इसमें लगाई हुई हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस तरह से आप पान के पत्ते को या फिर मनी प्लांट को किसी डंडे में की सहायता से, क्वायर स्टिक की सहायता से लगाते हो, उस तरह से भी आप इसको लगा सकते हो। सबसे बेहतर तो होता है कि अगर आप इसको दीवार पकड़ा दो तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, लेकिन जगह की कमी में आप इसको पॉट में लगा कर आप इसको वाइन की तरह इस पर चढ़ा सकते हैं, कोकोपीट का किसी चीज़ का स्टिक देकर उस पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करनी है, मैं इस पर बात करने वाली हूँ। मेरे कमेंट में आया था कि क्या इसको हम पौधे के समय समान लगा सकते हैं, यानी इसको डंडा भी ना दिया जाए तो क्या ये सही रहेगा, क्या ये फलेगा, फूल देगा? तो मैं आज इसी पर आपको शेयर करने जा रही हूँ कि अगर इसे आपको अपनाना है, इसको पौधे के रूप में आपको विकसित करनी है, या किसी भी क्रीपर प्लांट को अगर आपको पौधे के रूप में विकसित करनी होती है तो क्या करनी होती है, तो इसके लिए मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स। तो इस टिप्स को आपको मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले आप जरा सा ये अपराजिता के फ्लावर्स को आप लाइक कर दो, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिप्स के तरफ कि क्या करने हैं हमें। दोस्तों, इसके लिए आप देखोगे कि हर एक 4-5 दिन के बाद आपको अपराजिता के पौधे में इस तरह की बेल लंबी निकल जाएगी। और आपको करना क्या है कि इसको आपको काटते रहना है, हर 4-5 दिन के बाद आपको इसको देखना है और काट कर इसको हटाते जाना है। अगर ये इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो ये आगे की तरफ चढ़ते जाएंगे, तो इसको आप खोजें और खोजने के बाद इसको हटा दिया करें, बहुत ज़रूरी है। और फिर आप ये जो मैं इसमें डंडा लगा के रखी हूँ, इसको भी आप ना लगाएं, शुरू से ही इसको आप ना लगाएं। कहते हैं ना कि अगर किसी को शुरू से सहारे की आवश्यकता हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है, तो हमेशा सहायता खोजता है। इसलिए जब आप बीज लगाएं, अपराजिता बीज से भी होता है और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हो। अभी जो कटिंग काट कर हटाई जा रही है उसको भी आप लगा सकते हो। तो शुरू से ही आप जब बीज से लगाए, नन्ना सा पौधा हो, उसी समय से उसकी हर 3-4 दिन के बाद उसकी कटिंग कर दिया करें, उसको आगे जैसे तैसे बढ़ने ही ना दे। और इसमें घबराना भी नहीं है, क्योंकि आप जितना अधिक कटिंग करोगे उतना ही फ्लावर्स इसमें आएंगे और उतनी ही इसमें टहनियाँ आएंगी। दोस्तों, 3-4 दिन बाद आप देखोगे फिर से उसमें नए आपको इस तरह के दिखाई देंगे, नए नए आ जाएंगे। और आपका काम यही रहेगा कि हर 3-4 दिन के बाद इनको काट कर हटाते जाना है। जितना अधिक हटाओगे इसमें ब्रांचेज भी आती ही जाएंगी और फ्लावर भी आते जाएंगे, साथ ही आपके पौधे जो हैं सो पौधे बन जाएंगे, एक क्रीपर नहीं रहेंगे, ये वाइन नहीं रहेंगे, ये आपके पौधे बन जाएंगे। दोस्तों, इसके सहारे जो मैंने बांध कर रखे थे उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हालांकि पहले सहारा देकर हटाना ठीक नहीं है, इसलिए आप शुरू से ही उसमें सहारे ना दिया करें। दोस्तों, इसमें जो सहारे लगाए हुए थे उस सहारे को मैंने खोलकर इसमें से निकाल लिए हैं, लेकिन पेड़ अभी ये कमज़ोर है, चूँकि इसको शुरू में सहारे दे दिए गए इसलिए थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और कटिंग कर देते हैं। ये 4-5 दिन के बाद आपको इस तरह से कटिंग करनी ही पड़ेगी, तभी ये आपका
पेड़ के जैसा, पौधे के जैसा होगा। आप देखोगे 3-4 दिन के अंदर ये इस तरह से बढ़ जाता है। आप देखो यहाँ ये कैसे बढ़ गया है। तो इस तरह से इसको काटते जाइए। घबराने की बात नहीं है, कटिंग करने में घबराना नहीं है, क्योंकि आप जितना कटिंग करोगे उतना ही ये आगे की तरफ आपका बढ़ेगा। इसमें एक ब्रांच अगर काटते हैं तो वहाँ पर कम से कम मिनिमम 2 ब्रांच निकलते हैं, या 3-4 ब्रांच भी निकलते हैं। दोस्तों इसको जो सूखे इसमें फूल हो उसको भी आपको हटा देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें फूल से बीज बनते हैं तो आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है, और फिर वो फ्लावरिंग भी कम करता है और वो बीज बनाने में लग जाता है। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने जो इसके स्टैंड लगाए थे उस स्टैंड को हटा दिया है, और ये अभी तुरंत इसका स्टैंड हटाया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये अभी झुक रहा है, लेकिन ये भी इसका समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये पूरा अपने पर ये पौधा बन जाएगा और अपने खड़ा हो जाएगा। तो अब आपको ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। इस तरह से आप भी अपने पौधे को पेड़ बना ले सकते हैं, पौधा बना ले सकते हैं। जो ये इसकी जो क्रीपिंग वाली जो गुण है उसे इसको अलग कर ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ आज इस वीडियो में, बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।